हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम एक्टिविटी इंटॉलरेंस के ऊपर केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं हमने एक पूरा डिटेल केयर प्लान बनाया था अनिमिया के ऊपर जिसमें हमने एक्टिविटी इंटॉलरेंस का एनसीपी आपको दिखाया था तो उसे आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे यदि आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए केयर प्लान केस स्टडी केस प्रेजेंटेशंस देखना चाहते हैं और मेडिकल सर्जिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अगर हम एक्टिविटी इन टॉलरेंस का केयर प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर भी हम एन बनाते हैं तो सबसे पहले असेसमेंट लिखा जाता है असेसमेंट में हम दो तरीके का से असेसमेंट करते हैं सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा सब्जेक्टिव डेटा में वह डेटा होता है जो हमारा पेशेंट हमें बता रहा है एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में हम वह डेटा लिखते हैं जो हमें हमने अपने पेशेंट में ऑब्जर्व किए हैं तो जैसे पेशेंट से इज़ दैट आई एम फीलिंग वेरी वीक एंड अनेबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ तो हमारे पेशेंट ने हमें बताया कि वो बहुत वीक फील कर रहा है और डेली एक्टिविटीज़ करने में उसे परेशानी हो रही है तो ऑब्जेक्टिव डेटा में फिर हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी कि जो हमारा पेशेंट है पेशेंट लुक्स रेस्टलेस एंड फर्टिक ग्रेटर नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप तो हमारा पेशेंट जो है रेस्टलेस और फटिक दिख रही है पेशेंट में और रेस्ट पेशेंट जो है रेस्ट एंड स्लीप जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत उसे दिख रही है नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लिखेंगे जैसे एक्टिविटी इंटोलरेंस का हम एनसीपी बना रहे हैं तो लिखेंगे एक्टिविटी इंटोलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड तो हमने केयर प्लान बनाया था अनिमिया के ऊपर तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्यों हो रही है पेशेंट में क्योंकि पेशेंट की बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और डिमांड है दोनों में इम्बैलेंस हो रहा है क्योंकि आ, जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है पूरे टिश्यूज़ में क्योंकि एच बी जो है पेशेंट का वो कम हो गया है इसलिए अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई नहीं होगी दोनों के बीच में इम्बेलेंस हो रहा है ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड के बीच में तो इस तरीके से हम यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे फिर गोल लिखेंगे कि हमारा क्या गोल है तो टू इंक्रीज एक्टिविटी इंटॉलरेंस हमें अपने पेशेंट की एक्टिविटी इंटॉलरेंस को इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर हम पहले प्लानिंग करेंगे फिर प्लानिंग uh, के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो चीज़ें हमने प्लान करी हैं वो हम इम्प्लीमेंटेशन में लिखते हैं एंड आफ्टर सारा इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हम इवेल्यूशन करते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट निकल के आया तो प्लानिंग में हमने लिखा असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल टास्क और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग तो हमने प्लानिंग में पहले असेस किया कि जो हमारा पेशेंट है उसे क्या क्या परेशानी हो रही है क्या क्या नॉर्मल टास्क वो परफॉर्म कर सकता है और क्या क्या डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में उसे परेशानियाँ हो रही हैं उन सब चीज़ों को हमें पहले असेस कर लेना है फिर हम इम्प्लीमेंटेशन में वही चीज़ लिख देंगे कि पेशेंट की जो भी परफॉर्मेंस हैं डेली एक्टिविटीज़ हैं उनो उन्हें हमने असेस कर लिया है असेस्ड लिख देंगे यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है प्लानिंग हमने करी असेस एनी चेंजेस इन बैलेंस गेट डिस्टरबेंस मसल वीकनेस तो यहाँ पर अगर हमारे पेशेंट में किसी प्रकार का आ, कोई बैलेंस डिस्टरबेंस हो रहा है मसल वीकनेस हो रही है गेट डिस्टरबेंस अगर हो रहा है एक्टिविटी इंटॉलरेंस के कारण तो उसे हम असेस कर लेंगे तो यहाँ पर फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम लिख दे लिख देंगे चेंजेस इन बैलेंस गेट डिस्टर्बेंस मसल वीकनेसेस असेस्ड अगर कोई चेंजेस देखने को मिले हैं तो वो आप यहाँ पर मैंशन कर देंगे उसके के बाद हम क्या कर सकते हैं और प्लानिंग तो यहां पर प्रोवाइड क्वाइट एटमोसफियर एंड प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप तो हमने अपने पेशेंट को क्वाइट एटमॉसफियर और रेस्ट एंड स्लीप जो है वो प्रोवाइड किया है तो पहले प्लानिंग में लिखेंगे एंड फिर यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें प्रोवाइडेड लिख देंगे यहाँ एंड फिर उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लानिंग हमने करी एनकरेज टू परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करें तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पेशेंट को हमने रेगुलर एक्सरसाइज के लिए एनक्रेज किया है फिर उसके बाद लास्ट में वैल्यूशन लिखना है इवैल्यूएशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं पेशेंट्स एक्टिविटी इंटॉलरेंस इज़ इंक्रीज आफ्टर द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन तो पेशेंट को जो भी हमने चीज़ें प्लान करके इम्प्लीमेंट करी थी ये सारे इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो पेशेंट की एक्टिविटी है वो इंटॉलरेंस एक्टिविटी इंटॉलरेंस जो हो रहा था वो इम्प्रूव हो गया है इंक्रीज हो गया है तो इस तरीके से हम लोगों को एन लिखना रहता है एक्टिविटी इन टॉलरेंस के ऊपर ये बनाया है था हमने यदि आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं थैंक यू